अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। तो दोस्तों, ईद ख़त्म हो चुकी है। ईद बहुत मज़े की थी, बहुत घूमे फिरे, आउटिंग की। ईद के बाद ये जी घर की हालत है, ये देखिए यहाँ पर देखिए जी, ये तमाम चीज़ें वॉश की हैं, शूज़ वॉश हुए, यहाँ पर घर के काम कर रहे हैं, अपनी असली हालत में वापस आ गए हैं जी। फ्रिज को मैंने किया है जी वॉश, आज का जो सारा दिन था वो मेरा इसमें गुजर गया। ये देखें जी, तमाम अलमारियां वगैरह खाली की हैं, फ्रिज क्लियर की है, क्योंकि रमज़ान की जो रूटीन थी उसमें अप डाउन बहुत ज़्यादा था, बार बार कुकिंग हो रही थी, बार बार चीज़ें चल रही थी, लाख तवज्जो दे रही, लेकिन बच्चों ने कुछ ना कुछ तो फ्रिज में बगैर ढके रखना होता है, और उसमें आपको पता है जो हमारी दही बल्ले वगैरह होते हैं उनकी एक स्मेल होती है। तो जी चल पड़ी हैं सफाइयाँ ईद के बाद की, और ईद के सारे मज़े सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, अब आ गए हैं जो रूटीन पे वापस। आप लोग मुझे बताएं जी, क्या कुछ आप लोग के घर भी इसी तरह हो रहा है कि नहीं, सफाइयाँ चल रही हैं ईद के बाद की। तो अभी तो पहले स्टार्ट लिया है जी किचन से, किचन क्लियर किया है, फ्रिज वॉश की है, अभी ऑन करना है, और घर को एक बार धोऊंगी छत से लेकर नीचे तक, तो फिर सेटल हो जाएगा सब। तो ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है, सफाई में खुदाई है, सफाई निस्फ ईमान है, और अच्छा लगता है, घर फ्रेश हो जाता है। ज़रा रमज़ान और ईद जो है वो आपकी ज़रा बिज़ी रहती है, आम रूटीन से हट के रहते हैं ये सब कुछ, तो एक दफ़ा हो जाता है कि अगर आप इजी कर लें, एक दफ़ा कंट्रोल कर लें अपने घर को और अपनी चीज़ों को, तो बहुत मज़ा आता है। तो जी ज़िंदगी की इन हकीकतों के साथ चलते हैं आगे, और मैं दिखाती हूँ जी आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या क्या सफाइयाँ करते हैं, चेंजेस करते हैं। ये व्लॉग है जी आफ्टर ईद का। आफ्टर ईद के बाद जी कुछ हालत इस किस्म की होती है, इंसान वापस मासी लुक में आ जाता है, और जी बहुत मज़ा आया, ईद बहुत आउट क्लास रही है। अब जी करेंगे घर के काम, और बाहर का खाना खा कर जी बस हुई भी थी, तो हमने बनाया है जी आज बॉयल्ड राइस सिंपल, साथ में है जी मसर की दाल, उसमें लगाऊंगी तड़का, और ये कुछ सेवियाँ मीठे के। हमारे घर में जी मीठा लाजमी बनता है चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर जी फ्रिज ड्राई हो रहा है मेरा, ये देखिए। तो आज जो ये खाना है ना, ये बहुत मस्त है, आज बहुत अच्छा लग रहा है इसको देख के। किचन से जी मैं हो गई हूँ फ्री, और किचन करते करते ही मुझे शाम हो गई है। अब शुक्र है मुझे एक हेल्पर मिल गई हैं जो घर को वॉश कर रही हैं और अच्छे तरीके से साफ़ करेंगी। जब तक वो ये सारा काम आज कर रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना घर की तमाम चीज़ों को वापस अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँ, जिसमें जी ज्वेलरी है। आपको पता है कि अगर कहीं इवेंट पर जा रहे हो या तैयार हो रहे हो तो सारी ज्वेलरी आगे पीछे हो जाती है, तो यहाँ मैं सारी ज्वेलरी को कर रही हूँ साफ़, वापस से अरेंज कर रही हूँ, टिशू से साफ़ करके छोटी चीज़ों को जो है नाजुक और छोटी चीज़ों को छोटे बॉक्स में डालूंगी, और कुछ चीज़ों को बड़े बॉक्स में पैक करके डालूंगी। ये जो ऑर्गेनाइज़र आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो ये $1 शॉप से लिए थे, इसके बॉक्स होने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। हेल्पर भी साथ जी अपना अपना काम कर रही हैं, इसलिए मुझे बेहद खुशी है कि आज एक दिन में मेरे बहुत सारे काम हो गए, तो मैं ज़्यादा काम इनका नहीं दिखा सकूंगी जी, इनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, इनकी भी अपनी प्राइवेसी है। तो जब तक ये काम करी और मैं इजी होगी, मैंने तमाम तर कपड़ों को इस्त्री करके जी कबर्ड में लगा दिए, जितने भी हमने यूज़ किए थे, वॉश नहीं किया उनको, क्योंकि एक एक बार पहने हैं तो उनको क्या वॉश करना, बस उनको फ्रेश किया है और जी वापस। और जूतों को सबको जी मैं अच्छे तरीके से करूँगी साफ़, मेरी कोशिश होती है चाहे मेरे जूते हों या बच्चों के, सब के साफ़ करके मैं बॉक्स में रखूँ, इससे एक तो जूता डी शेप नहीं होता और एक उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो जी कुछ चीज़ों से ना आपकी चीज़ें संभली रहती हैं, हर चीज़ पर जाहिर सी बात है आपका एक्सपेंस लगा होता है, आपकी एफ़र्ट्स लगी होती है, तो अपनी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए हमें। ये मिनी व्लॉग जो था ये घर की वापस अरेंजमेंट में था, और आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको मेरी ये सारी अरेंजमेंट्स कैसी लगी। तो जी घर की सफाई एक अलग चैप्टर है, और जी चीज़ों को वापस से ऑर्गेनाइज़ करना एक अलग चैप्टर है। तो मेरे आज ये दोनों काम हो गए हैं और मैं बेहद खुश हूँ, कल से मेरी लाइफ जो है वो रूटीन पर आ जाएगी। आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरा ये मिनी व्लॉग कैसा लगा, और जी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और एक बार फिर से शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है और मुझे व्यूज़ बहुत ज़्यादा आए हैं, जिसमें मैं बेहद खुश हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।